हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं YBR के साथ कुछ मॉडिफिकेशन। तो वीडियो में मैं इस सबको मॉडिफिकेशन नहीं कहता, ये कुछ गैजेट्स होते हैं जो आप नॉर्मली इंस्टॉल कर लेते हो, तो ये भी जस्ट सजेशन थी, तो मैंने कहा चलो लगा देते हैं। और रेंडमली वीडियो से मैं डालते ही रहता, तो सोचा क्यों ना या ये भी वीडियो एक बन जाए। सो फर्स्ट अप, जो क्वेश्चन था कि मैं बाइक वॉश कैसे करता हूँ। बाइक वॉश करना कोई एक कोई अनोखा तरीका नहीं होता, सिंपली आप शैम्पू यूज़ करें कुछ भी, उससे अच्छी तरह बाइक को वॉश करने के बाद कोई भी सस्ता पॉलिश ले लें। मैं ये जो ऑटो शाइन है, कीवी का ऑटो शाइन है, ये रिसेंटली आया था, और जब बजट अच्छा होता है तो फार्मूला 1 जो है तो वो यूज़ कर लेता हूँ। तो ये बाइक को वॉश करने के बाद जो एक ऊपर जो है एक रफ सी जो वाइट सी लेयर आ जाती है ना, और बाइक बड़ा ऑकवर्ड सा लुक करता है वॉश करने के बाद। कोशिश करेंगे सस्ता सर्फ ना यूज़ करें, क्योंकि उससे और ज़्यादा जो प्लास्टिक है, क्योंकि YBR में काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक है, तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना ऑकवर्ड सा लगता है। तो ये पॉलिश लगाने के बाद ज़रा जो है ना इसमें डार्कनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो ये ज़रूरी होता है। अब बात की जब विंडशील्ड टूट गई थी, ये मैंने सस्ती वाली विंडशील्ड ली थी। सस्ती भी क्या सस्ती थी, 700 रुपए कॉस्ट की थी मुझे उस टाइम पे, और ये जो है बहुत ही घटिया क्वालिटी की थी। तो अभी चूंकि मैं न्यू नहीं खरीद रहा था, तो मैंने इसी को रिपेयर किया, जहां पर एल्फी लग सकती थी, और ये बहुत कड़क प्लास्टिक था, लाइक कुछ भी लगता था तो टूट जाता है। तो जब भी खरीदे कोशिश करें थोड़े पैसे ज्यादा खर्च लें, लेकिन अच्छी वाली। उसके साथ कुछ नए गैजेट्स जो हैं वो आए, उनमें क्या था, एक टैंक पैड इसलिए क्योंकि इसकी जो टैंकी की शेप है ना वो ऐसी है कि जो भी चीज़ आप रखते हो ना सामने की तरफ वही लगती है। बाइक ऑलरेडी 3.5 लाख रुपये की हो चुकी है, तो क्यों ना इसके ऊपर ये लगा लिया जाए, हो सकता है थोड़ी बहुत सेफ्टी हो जाए इसे। बट एनी हाउ, और मैं कोई रंग बरंग कलर यूज़ करना नहीं चाह रहा था, मुझे पर्सनली येलो ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सिंपली इसको ब्लैक में रखा। येलो बहुत ज़्यादा येलो हो जाना था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो मड फ्लैप है उसके ऊपर भी येलो कलर का टेंट दिया हुआ है, और पीछे टेल पे भी। और लगाने का तरीका बहुत ईजी है, जो मैंने नीचे इंजन गार्ड लगाया उसके ऊपर भी येलो मैंने बाय द वे वो टेक्सचर दिया हुआ है। लगाने का तरीका बहुत सिंपल है, आपने इसको स्टिकर उतार देना, ऊपर पेपर ऑलरेडी लगा होता है, आपने जस्ट इसको पेस्ट करना और अच्छे से प्लेस कर देना, और ये इसकी सिंपल सी इंस्टॉलेशन है। इसके अलावा बात मैं कह रहा था कि आपको जो है पॉलिश जरूर करना चाहिए बाइक वॉश करने के बाद आपको, बिकॉज इससे ही डेप्थ आती है। तो मैंने इसको प्लेस करने के बाद जो है पॉलिश किया था, ताकि उससे ग्रिप ज़्यादा और अच्छी हो जाए, बिकॉज आप देख रहे हो कि नीचे जो है ना रफ स्क्रैचेस पड़े हैं। बाय द वे मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी रैप करवाया हुआ है, बाइक जो है ट्रांसपेरेंट रैप हुई हुई है। टैंक पैड लगाने के बाद ये इसकी कोई लुक आती है, विच इज़ गुड विच इज़ नॉट बैड, जो विजिबल भी इतना नहीं होता, और जो है आपकी प्रोटेक्शन भी हो जाती है इससे। इसके अलावा ब्रेक कवर्स मैंने लिए थे, मुझे मिल नहीं रहे थे कुछ, ये वाली एक ऑप्शन पड़ी हुई थी, तो मजबूरन यही वाले ले लिए थे, क्योंकि वो जो है ना ऊपर जंग सा आ रहा था और मुझे बड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा था, तो और रबड़ के जो थे वो अवेलेबल नहीं थे, अदरवाइज मैं वही लेता। तो ये वाले जो है टेम्परेरी मैंने खरीदे, मैंने कहा चलो और कुछ नहीं तो यही सही, हालांकि इस पर मुफ्त का F16 बना हुआ है। इसके बाद कम्युनिटीज़ की बात होती है, तो यार देखो आपकी चीज़ है, आपने रखनी है, आपने चलानी है, आप जितना अच्छे से रखें जैसे भी रखें, कोशिश करें कि आप अच्छी चीज़ रखें, साफ सुथरी रखें। आप खुद साफ करेंगे तो आपको आइडिया होगा अभी कौन सी चीज़ ख़राब है, कौन सी चीज़ मेंटेन होने वाली है, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती कि आपने छोटा मोटा जो है काम निकल आता है तो उसको करवाने में कोई बड़ी बात नहीं है। सो मेरा जो है ये किसी ने रबड़ निकाल लिया था डिस्प्ले का, तो ये खाली लगवाना 400 रुपये कॉस्ट किया था, यू नो YBR की मेंटेनेंस जो है ना वो कॉस्ट करती है, आपको अच्छी खासी कॉस्ट करती है। बट इन द मीन टाइम आपके पास और कोई अच्छी ऑप्शन नहीं है मार्केट में लोकल असेंबल्ड में, मेरे ख्याल से 150 इज़ अ गुड ऑप्शन, बट उसकी जो है इंजन की कंप्लेंट काफ़ी ज़्यादा आती है। आई डोंट नो ये कितना सच है कितना नहीं। और इसके बाद जो है विंडशील्ड की इंस्टॉलेशन आती है, विंडशील्ड की इंस्टॉलेशन थोड़ी सी जो है ना मुझे थोड़ी सी मुश्किल लगती है, क्योंकि उसके लिए आपको अपना पूरा हेडलाइट निकालना है, फिर आपने रिंग निकालना है हेडलाइट के रिंग निकालने के बाद उसके ऊपर आपको 4 इतने बड़े बोर्ड लगाने हैं, जो कि इतने वेस्ट मटेरियल का प्लास्टिक है उसको पकड़ने के लिए, लाइक सीरियसली ये एक ही बोल्ट से भी काम हो सकता है। इसको लगाने के बाद आपको इसके चारों बोर्ड लगाने हैं, सेंटर में एक जो है वो बोर्ड लगाना है, तो मैंने यहाँ पे वॉशर यूज़ कर ली थी, उसके बाद जो है फ्रंट में वापस इंस्टॉल कर दिया। इसको इंस्टॉल करने से जो है मेरे ख्याल से बाइक ज़्यादा एरोडायनामिक नहीं रहती, बट येट अगेन जो है एक थोड़ा सा जो है ना ये लुक में एडिशनली ही कुछ ऐड करता है। अब कुछ लोगों को पसंद है, कुछ लोगों को पसंद नहीं होता, तो इसमें रला मिला जो है ना वो राय होती है सबकी। तो अभी तो खैर मैंने नया वाला ले लिया, अनब्रेकेबल काफ़ी ज़्यादा मार्केट में चल रहा है, तो वो उसका प्लास्टिक काफ़ी अच्छा है, तो वो वाला यूज़ करें आप। तो ये सब कुछ था आज की वीडियो में, क्योंकि हम लोग बाइक पर काफ़ी ज़्यादा टूर करते रहते हैं, मैंने अभी एक ही टूर
करके अपनी जो है स्टोरीज और पिक्चर्स अपलोड की है इंस्टाग्राम पर, अगर आपको चेक करनी है तो इंस्टाग्राम पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस साल अगेन बाकी प्रेपरेशन जारी है और इस बार टूर हम लोग करने वाले हैं मे बी होंजा और या फिर सवाल। मोस्टली मैं अपनी बाइक को खुद ही मेंटेन करता हूँ। अभी रिसेंटली हमने एक प्रोजेक्ट 70 का किया, तो होपफुली आने वाली वीडियोस में वो भी आपको नजर आएगा चैनल पर। तो मैं रैंडमली डिफरेंट किस्म की वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ चैनल पर। तो आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में विद न्यू चेंजेस, न्यू मॉडिफिकेशन, न्यू गैजेट्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।